नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को बहुत बुरी तरह से हराया, ये आप सभी जानते ही होंगे। आप सभी को पता होगा कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने वो कारनामा करके दिखाया है जिसकी वजह से टीम इंडिया को फाइनली जीत मिली है। और ये जीत बहुत छोटी नहीं, बहुत बड़ी है, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने जिस तरह की परफॉर्मेंस की है यकीनन ये यादगार पारी थी। तो मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के इस खिलाड़ी की है सबसे ज़्यादा तारीफ और टीम इंडिया को भी दिया है जीत का श्रेय। जी हाँ, आपको बता दें, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी भी इस मैच को लाइव देख रहे थे और जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप में भारत को न्यूजीलैंड के हाथों हार मिली थी वो रियल में काफी हमारे देश के लिए शर्मनाक था। और इसके बाद आज हमारे देश के खिलाड़ियों ने अपनी हार का बदला पूरी तरह से क्लीन स्वीप करके इस सीरीज में ले लिया है। तो चलिए बताते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने देश के खिलाड़ियों की तारीफ की है, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरह से पूरा मैच रहा। दोस्तों, आज रोहित शर्मा ने टॉस जीत करके पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। इस फैसले ने सभी को हैरान कर दिया, लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी पर जब जब सवाल उठा है उन्होंने कुछ अलग ही करके दिखाया है। रोहित शर्मा ने आज ओपनिंग करने आए थे ईशान किशन के साथ और 31 ही गेंदों पर 56 रनों की शानदार पारी खेली। इसके अलावा ईशान किशन ने महज 21 ही गेंदों पर 29 रनों की पारी खेली, जिनको केएल राहुल की जगह आज मौका मिला था। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव आज ज्यादा कुछ खास कर ना सके, ये 0 पर ही आउट हो गए, तो ऋषभ पंत भी आज महज 4 रन बना सके। फिर देखने को मिला कि श्रेयस अय्यर ने आज 25 रनों की एक छोटी सी पारी खेली, वेंकटेश अय्यर ने सिर्फ 20 रन बनाया, तो वहीं अंत में हर्षल पाटिल ने 18 रनों की पारी खेली और उसके बाद दीपक चहर ने 21 रनों की महज 8 गेंदों पर ही एक पारी खेली। इसके बाद टीम इंडिया 184 रनों तक पहुंच गई और न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 185 रन चाहिए था। अब मैं आपको बता दूं, मार्टिन गप्टिल ने तो एक तरफ से एक छोर संभाले रखा, लेकिन दूसरी तरफ से शुरुआती ओवरों में ही न्यूजीलैंड के विकेट गिरते रहे। जी हाँ, आपको बता दें, पहले डैरिल मिचेल सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए, फिर मार्क चैपमैन अपना खाता नहीं खोल सके, ग्लेन फिलिप्स भी अपना खाता नहीं खोल सके, टिम सैफर्ट 17 रन बनाकर आउट हो गए। तो इसके अलावा ज़्यादा कोई कुछ खास कर ना सका। मार्टिन गप्टिल ने सिर्फ और सिर्फ 36 गेंदों पर एक बड़ी 51 रनों की पारी खेली। तो इस तरह से न्यूजीलैंड की टीम महज 17.2 ओवर में ही 73 रनों से हार गई और पूरी तरह से ये टीम ऑल आउट हो गई। जीत के हीरो रहे अक्षर, जिन्होंने 3 ओवर में सिर्फ 9 रन देकर 3 विकेट भी झटका। इसके अलावा बात करें, दीपक चहर को 1 विकेट मिला है, युजवेंद्र चहल और वेंकटेश अय्यर को 1-1 विकेट मिला और हर्षल पाटिल को 2 विकेट मिला। तो इस तरह से टीम इंडिया जीत गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां भारत के युवा टैलेंटेड खिलाड़ियों की तारीफ की है, कहा है कि ये भारत का उभरता हुआ जोश है, भारत के युवा खिलाड़ियों ने वो करके दिखाया जो कि भारत के बड़े बड़े खिलाड़ी आज तक नहीं कर पाए थे। मैं आपको बता दूं, भारत ने पहली बार न्यूजीलैंड को इस तरह से क्लीन स्वीप किया है भारत में, वो भी T20 फॉर्मेट में, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम बेहद ही शानदार है और जिस तरह से भारत के युवा खिलाड़ियों ने, अक्षर पाटिल ने, केएल राहुल ने, इसके अलावा रोहित शर्मा ने खुद इस सीरीज में अपनी क्षमताएं दिखाई है, ये रियल में कारगर है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वेंकटेश अय्यर का खेलना भी बहुत अच्छा है, जिस तरह से वेंकटेश अय्यर भारत की टीम में शामिल हुए हैं ये दिखाता है कि युवाओं के लिए भारत में कितना मौका है, कितनी अपॉर्चुनिटी है, अगर वो आगे उठकर आते हैं तो वो आगे बहुत कुछ कर सकते हैं देश के लिए। तो इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के न्यूजीलैंड का क्लीन स्वीप करने पर बहुत बड़ी खुशी जाहिर की है और उनका मानना है कि भारत ये दिन कभी भी भुला नहीं पाएगा। तो भारत की ये जीत आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।